तो गाइज टॉकबैक 14 का यहाँ पर अपडेट आ चुका है ना। बहुत कुछ चेंजेस इसमें ज़्यादा नहीं आए हैं, लेकिन कुछ चेंजेस आए हैं वो मैंने आपको बताया है। कुछ एडिशनल चेंजेस भी मैंने आपको बताए हैं, तो वीडियो को आप एंड तक देख सकते हो और वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ही वीडियोज़ यहाँ पर आती रहेंगी। सबको अपडेट मिल चुका है, प्ले स्टोर से अपडेट कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर टॉकबैक जो है हमारा अपडेट हो चुका है, गूगल प्ले स्टोर से सबको ये अपडेट मिल चुका है, तो आप चेक कर लेना। ठीक है, मैं टॉकबैक सेटिंग में चलूंगा और यहाँ पर हम जो है न्यू फीचर्स इन टॉकबैक वाले ऑप्शन में चलेंगे और देखते हैं क्या इसमें नया है, वहीं से देख लेते हैं। तो यहाँ पर गाइज आपने पहले अभी से कुछ नोटिस करना शुरू कर दिया होगा, है ना। ये जो जैसे अभी आगे जो है स्क्रीन रिकॉर्डर का पॉपअप खुला हुआ है, तो वो सब यहाँ पर ये रीड कर रहा है, लेकिन जो अभी जिस पे हमने क्लिक किया करेंटली वाला फोकस इसने रीड नहीं किया, तो ये एक चीज यहाँ पर हुई है। ठीक है, ये छोटे छोटे नोटिस आप करोगे यूज तब पता चलेगा। तो गाइज इसमें जो है ब्रेल जेस्टर्स ऐड हुए हैं, ब्रेल जो आप कीबोर्ड यूज करते हो उसके लिए। नेक्स्ट करेंगे। तो गाइज यहाँ पर लगभग 30 नए जेस्टर्स ऐड हुए हैं ब्रेल कीबोर्ड में, जिससे क्या है आप इजिली कर्सर को मूव कर पाओगे एक्सेसिबल तरीके से। इजिली आप जो है कॉपी कर पाओगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर पाओगे, ये सब बहुत इजिली आप कर पाओगे, New all gestures button. है ना। नेक्स्ट करेंगे हम। You can also see it. Next, but new commands for braille display. ब्रेल डिस्प्ले जो आप यूज करते हो, जैसे ऑर्बिट रीडर हो गया आपका, और भी जो ब्रेल डिस्प्ले होते हैं, अब आप उनको कनेक्ट करते हो ना, तो उसके लिए बहुत सारे कमांड्स हैं। New commands, page free of free. To make it easier to navigate your braille display, there are now 50 braille display commands. देखिए 50 ब्रेल डिस्प्ले नई कमांड्स ऐड हुई है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। New all commands, you can also finish, आप but यहाँ से व्यू ऑल जेस्टर्स या व्यू ऑल कमांड्स करके सब देख भी सकते हो। Talkback settings. तो गाइस अब यहाँ पर ये जो बड़े बड़े फीचर्स आए थे ये इसने बता दिया, कुछ छोटे मोटे फीचर्स हैं अब वो हम देख लेते हैं। वर्बोसिटी में चलेंगे सबसे Audio, पहले। text to speech, verbosity, choose a preset. तो गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन आया जो कि आपको जीशो में मिलता था, अब इसमें भी आ चुका है प्रोग्रेस बार अपडेट वाला। Verbosity, speak list and credit, always speak, speak element type, speak window name, speak notification, use pitch changes, आगे करेंगे। speak letters with keyboard echo, capital letter, speak, speak list and credit, speak verbosity, choose a preset, navigate, speak notification, speak letters with exam, keyboard echo, capital letters, speak all progress up, ये speak एक element IDs, आपको मिला देखिए अपडेट। speak all progress updates, includes updates while downloading, following driving directions and more, when turned off, you will still receive less frequent updates, off, switch. देखिए यहाँ पर एक और चीज लिखी है, फॉलोइंग ड्राइविंग डायरेक्शंस, इसका मतलब क्या है? ये गूगल मैप पे एप्लीकेबल होगा, मतलब जब आप कहीं कोई गूगल मैप पर कुछ ड्राइविंग इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हो, जैसे मैप बोल रहा है आपका, तो वहां पर भी जो प्रोग्रेस बार अपडेट्स है वो अच्छे से और एक्सेसिबल तरीके से रीड करेगा। इसको हम कभी और प्रैक्टिकल वीडियो बना के देखेंगे किस तरह से ये काम कर रहा है, लेकिन अब आप इसको जैसे ऑन करोगे, Capital, speak all progress updates, includes updates while downloading, following driving directions and more. When turned off, you will still receive less frequent updates. On, switch. तो अब ये मोर अपडेट्स आपको देगा। पहले भी प्रोग्रेस बार अपडेट बताता था और ऑफ रखोगे तब भी बताएगा, लेकिन ये तब बताता है जब आपको उस पर फोकस होता है। अब आप इसको ऑन रखोगे तो आपको और अच्छे से ये अपडेट देगा, और अगर फोकस नहीं भी होगा तब भी वो कहीं कहीं जगह रीड करके बताएगा। तो इस तरह से ये फीचर काम करता है, और ड्राइविंग डायरेक्शंस वाला जो एक चीज है आप इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर इसको ऑन कर दिया हमने, इस चीज को हम कभी प्रैक्टिकल जरूर करके देखेंगे वीडियो में। बैक करेंगे यहाँ से, वर्बोसिटी में यही नया है। अब यहाँ पर आगे हम चलते हैं कस्टमाइज जेस्टर में, एक जेस्टर नया आया है वो दिखा देते हैं। दो जेस्टर मतलब एक ही है लेकिन दो है, इसको खोलेंगे। यहाँ से कोई भी जेस्टर लेते हैं, दो जेस्टर हमको लेने पड़ेंगे ताकि आपको दिखाई दे सके। स्वाइप राइट देन लेफ्ट पेस्ट, स्वाइप लेफ्ट देन राइट कॉपी लेफ्ट स्पोकन फ्रेज, ये स्वाइप लेफ्ट देन राइट वाला एक जेस्टर लेंगे। अब गाइज यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए आपको पहले भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन वो कैसे मिलता है? रीडिंग मेन्यू में मिलता है, एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम करके आपको एक ऑप्शन मिलता है, जैसे मैं अभी करता हूँ। देखिए तो जैसे अब आप इस पे फोकस लाओगे, अब आप वन फिंगर से डाउन करो, decrease, 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 decrease.
मैक्सिमम तो ये इस तरह से इंक्रीज होगा, लेकिन अब आप इसको ऐसे फोकस ना लाकर डायरेक्ट किसी जेस्टर पर रख सकते हो। देखिए ये देखिए इंक्रीज वॉल्यूम है, ये डिक्रीज वॉल्यूम है। चलिए हम लेफ्ट देन राइट पे डिक्रीज रखेंगे, राइट देन लेफ्ट पे हम इंक्रीज वॉल्यूम रखेंगे। अब मैं डायरेक्ट जेस्टर अप्लाई करूंगा, मैं कहीं पर भी रहूं, मुझे और एक्स्ट्रा कुछ नहीं अप्लाई करना। स्वाइप राइट देन लेफ्ट करेंगे, देखिए बढ़ रहा है, कम हो रहा है। बेचारे के बोलने से पहले ही मैं जो है कम ज्यादा कर रहा हूँ, मैक्सिमम हो गया। तो इस तरह से भाई ये जेस्टर नया काम करता है, बहुत अच्छा जेस्टर है, आप इसका यूज जरूर करना। ठीक है, बैक करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पर गाइज एडवांस सेटिंग में हम चलेंगे। और वैसे एक और चीज बता दू, टॉकबैक मेन्यू में जो आप अब ब्रेल डिस्प्ले की कमांड्स इन सबको भी एक्सेस कर सकते हो, ये बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। आप इसको कस्टमाइज रीडिंग मेन्यू में जाके, कस्टमाइज मेन्यू में जाके इसको ऑफ कर सकते हो। देखिए मैं टॉकबैक मेन्यू खोलूंगा, ये देखिए ब्रेल डिस्प्ले सेटिंग डायरेक्ट आपको यहीं पर मिल गई, पहले नहीं मिलती थी। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी एक चीज हो गई है ना। तो अब हम बैक करेंगे यहाँ से, और इसमें आपको डिस्क्राइब इमेज और डिस्क्राइब आइकन्स के लिए भी अब अलग अलग मिलेगा। तो वो आप अपने हिसाब से उसको ऑन ऑफ कर सकते हो कि क्या आपको कस्टमाइज मेन्यू में रखना है क्या नहीं। एडवांस सेटिंग में हम चलेंगे गाइस। तो अब यहाँ पर ये जो ये तो ऑप्शन था ही पहले से, ये एक बहुत अच्छा फीचर है टाइम फॉर्मेट। गाइस ये बहुत सारे लोगों को समस्या रहती थी, तो अब अगर आपके फोन में टाइम फॉर्मेट कुछ भी रहे, ये टॉकबैक का अलग टाइम फॉर्मेट है। यानी कि अगर आपके फोन में टाइम फॉर्मेट 24 आवर भी है सेटिंग में, तो यहां से बस आप आकर उसको चेंज कर देना, तो आपको जो जो एक देखने वाला व्यक्ति है उनको तो वो वैसे ही दिखाएगा, लेकिन आपका टॉकबैक उसको जो है रीड करेगा अपना जो आपने यहां पर सेट किया होगा। ठीक है, तो कई लोगों को प्रॉब्लम रहती है फोन रीसेट करने के बाद स्पेशली, कि उनका टाइम फॉर्मेट ऐसे रीड करता है 13 बज गए 14 बज गए। तो ये यहां पर अब ऐसा कुछ होगा नहीं, आप सीधा इसको यहीं से सेट कर सकते हो। देखिए टाइम फॉर 24 आवर, 24 आवर करेंगे तो अभी 12 ही बज रहे हैं, वैसे अभी तो कुछ पता नहीं चलेगा। देखिए अभी 12:18 ही हो रहे हैं, तो 12 तो 12 ही होता है। अभी जब भी 1 बजेगा 13 बोलेगा ये, लेकिन अभी मैं फिर से 12 आवर कर दूंगा, फिर भी 12 ही बोलेगा ये, क्योंकि बज ही 12 रहे हैं भैया। इस तरह से ये फीचर काम करता है, आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, बैक करेंगे। अब एक और चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूं, यहाँ पर फोकस, अब जैसे आप बैक करोगे ना, बैक बटन दबाएंगे, अब आपका जो फोकस है वो कहीं पर आया नहीं, आपको कुछ इसने बोल के नहीं बताया। तो ये आपको फोकस आपका बैक बटन पे रहेगा। जैसे देखिए हम कुछ और ऑप्शन खोलते हैं, ब्रेल कीबोर्ड सेटिंग होगी। अब मैं बैक करता हूँ, तो देखिए अब यहाँ पर आपका जो फोकस है वो वहीं पर आया। तो ये कभी कभी कुछ दिक्कत कर रहा है, कभी कभी तो जब आप बैक कर रहे हो फोकस कहीं पर आ ही नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, कभी कभी ये टॉप पे चला जा रहा है, और कभी कभी जो है आपका एग्जैक्ट जगह पर आ रहा है। तो इस तरह से भी यहाँ पर एक कुछ ये एड एडिशनल इसमें चीज हुई है ना। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि जैसे आप बैक करो फोकस जहाँ पर था आपका वहीं पर रहे, और मोस्टली जगह ऐसे ही हो रहा है, बट कुछ जगह टॉप पे चला जाता है कर्सर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। यही इसमें कुछ चेंजेस है ना, और इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। बाकी जो ब्रेल डिस्प्ले की कमांड्स है उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सभी के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लो, ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।